हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। हाय एवरीवन, दिस इज ईशा। वेलकम टू टेस्ट इंडिया। ठंडियों का मौसम आ चुका है और हर कोई सूप पीना पसंद करता है, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी वेजिटेबल सूप। ठंडियों में बहुत सारी सब्जियां आती हैं, तो आप भी अपनी चॉइस की सब्जियों से बना सकते हैं वेजिटेबल सूप, और ये खाएं बहुत ही जल्दी बन जाता है और सबको बहुत पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बनाना चालू करते हैं वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए हमने यहाँ थोड़ी सी फूलगोभी ली है, दो टमाटर लिए हैं, एक कप हमने लौकी ली है, एक प्याज लिया है, एक गाजर ली है और एक शिमला मिर्च ली है और थोड़े से मटर लिए हैं। सब्जी आप अपनी चॉइस के भी ले सकते हैं। एक गाजर लिए है जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है, आधा नींबू का रस लेंगे, और एक शिमला मिर्च है इसको भी हमने फाइन चॉप कर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 2 हरी मिर्ची ली है जिसको हमने चॉप कर लिया है। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर लेंगे, नमक स्वाद अनुसार लेंगे, एक मैगी मसाला पैकेट लेंगे, थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन लेंगे और 1 टेबलस्पून हम बटर लेंगे। सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जियों को बॉईल करेंगे। सब्जियों को बॉईल करने के लिए हमने गैस ऑन कर लिया है। अब हम कुकर में 2.5 गिलास पानी डालेंगे। और इसमें सब्जी ऐड करेंगे बॉईल करने के लिए। ये सारी सब्जी हमने कुकर में डाल ली है। अब हम इसमें नमक डालेंगे और कुकर में 3 सीटी आने तक हम इसे कुक करेंगे। हमारे कुकर में 3 सीटी आ चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद कुकर को खोल लेंगे। सब्जियां हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे एक बर्तन में छान लेंगे। ये सब्जियों को हमने छान लिया है और बचे हुए वेजिटेबल स्टॉक को हमने अलग कर लिया है। अब इन सब्जियों को हम मिक्सी के पॉट में डाल के पीस लेंगे। ये सारी सब्जियों को हमने मिक्सी में पीस लिया है। अब हम सूप बनाना चालू करेंगे। हमने गैस ऑन कर ली है सूप बनाने के लिए। अब हम इसमें पीसी हुई सब्जियां डालेंगे, वेजिटेबल स्टॉक डालेंगे, और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारी सब्जी और वेजिटेबल स्टॉक अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, ये स्वाद के अनुसार रहेगा, काली मिर्च डालेंगे, मैगी मसाला ऐड करेंगे, इससे सूप का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और नींबू का रस ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और सूप में 1 बॉल आने तक हम इसे कुक करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारे सूप में बॉईल आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और बाकी सब्जी को अब हम स्टर फ्राई करेंगे। हमने गैस ऑन कर लिया है। अब हम पैन में 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे और बटर को भी अच्छा मेल्ट होने देंगे। हमारा बटर अच्छा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची डालेंगे जो हमने चॉप कर लिया था, और 15 से 20 सेकंड तक हम इसे भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, और गैस की फ्लेम हम लो ही रख के इसे भूनेंगे। ये हमारा अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची भी हल्की हल्की फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे गाजर और शिमला मिर्च डालेंगे, इन्हें भी हल्का हल्का हम फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो क्रिस्पी रहे, क्रिस्पी और क्रंची रहे। हमें इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हल्का हल्का ही हम फ्राई करेंगे।
ये हमारी गाजर और शिमला मिर्च भी हल्की हल्की फ्राई हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन सब्जियों को अब हम सूप में ऐड करेंगे। हमने गैस ऑन कर ली है सूप के लिए। अब सूप में ऐड करेंगे हम स्टर की हुई सब्जी ऐड करेंगे। स्प्रिंग ऑनियन ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूप में और इसे 1 मिनट तक और कुक करेंगे ताकि सब्जियां भी अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। ये हमारी सब्जियां भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है सूप में और हमारा वेजिटेबल सूप बनके रेडी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये हमने वेजिटेबल सूप को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।